अच्छा आपके चैनल के भी सब्सक्राइबर हैं, भाई के भी चैनल के सब्सक्राइबर हैं, नंबर बिड लगाई थी, आके पता चला तो आपकी गाड़ी का भी नंबर सेम है, तो बारे देख न्यारे हो गए हैं। लो, बारे लकी न्यारे हो हो गया गए हैं आपके फिर, नंबर से। लकी हो गया फिर तो, मेरे लिए दोनों लकी लकी हो है, आप उनके लिए लकी, वो इनके लिए गए। लकी कि क्या सेम बात। वीडियो। सो वेलकम बैक टू द चैनल, आप देख रहे हो प्रभी सिंह की एक और नई वीडियो। सो आज हम आए हैं कालीबास, जो कि अपना करमपुरा में है हमारे साथ। भाई भाई नाम बताइए अपना। मेरा नाम है गौरव सेठी। गौरव भाई हमारे साथ है। आज हमारी गाड़ी रहने वाली है न्यू 2023 ब्रीजा VXi मॉडल। हाँ जी, अब VXi में क्या काम करा आज अपने? VXI में बेसिक काम होता है, ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है इसमें। हाँ स्टीरियो लगकर आता है, स्पीकर लगकर आते हैं, सब कुछ ही आता है, सब कुछ ऑलमोस्ट आता ही है। टायर बस वो टायर वायर नहीं आते बस। ओ भी एलॉय आते एलॉय हैं, एलॉय एलॉय। हाँ, अलॉय नहीं आते, फॉगलेट ही नहीं आती, हाँ फॉगलेट पे क्रोम नहीं आता, फ्रंट एक्सटेंडर नहीं आता, जो कि हमने लगा दिया इसके ऊपर। ये ठीक है फॉगलेट लगाई, फॉगलेट के ऊपर ये गार्निश लगाई इसकी, ओरिजिनल ठीक है 6,000 रुपये की फॉगलेट है, 690 रुपये का ये पार्ट है इसका, फॉगलेट ओके का क्रोम। ठीक है। फ्रंट रियर एक्सटेंडर लगाए 2,500 रुपये के, इसमें फ्रंट का ये लगाया, एक्सटेंडर फ्रंट एक्सटेंडर पीछे भी ऐसे ही लगा हुआ सेम। ओके, स्किड प्लेट लगाई है इसके अंदर, ये ये कौन आगे सी और लगा पीछे दी? की, ब्राउन वाली? हाँ ब्राउन वाली ठीक है स्किड प्लेट लगाई है इसके अंदर। ओके फ्रंट की क्रोम गार्निश लगा दी है, 690 रुपये का पार्ट है इसका, ठीक है। ये लगा हुआ नहीं आता। इसके फ्रंट की जो सिमेट्री है वो देखने में बहुत स्मार्ट हो जाती है, स्मार्ट लुक इनहेंस हो जाती है। लुक इनहेंस हो जाती है। ठीक है व्हील आर्ट्स लगा दिए, 2,390 रुपये का पार्ट है ये। लोग पूछते हैं कि यार आप रेट नहीं बताते, इसलिए मैं सबके रेट बता रहा हूँ साथ साथ। कहते हैं कभी ज्यादा बताते हैं रेट। वो देखो सीट कवर्स के अंदर लोग बोलते हैं कि ज़्यादा बताते हैं, फिर काम के लिए भी वो ढूंढते हैं कि नहीं वैसी वाली सीट कवर तो नहीं है जैसे वो बाहर मार्केट में लगते हैं, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सीट बेस्ट। कवर में तो है आपका कुछ हाँ तो इसीलिए कुछ तो बोल रहा हूँ कि वो चीज़ ही बेस्ट है वो। जी। व्हील आर्ट्स इसमें व्हील लगा दिया आर्ट्स है, व्हील आर्ट्स में क्या है, रनिंग बोर्ड जो इसका ओरिजिनल है, इसका फेंटर हाँ लाइनिंग है, उसके ऊपर इसे ही हिट भी नहीं होती है, अगर हिट होगी तो इस पार्ट पे लगेगी, डबल टेप से लगती है प्रॉपर। ये ठीक है रबड़ इसमें ऊपर लगी होती है, जिससे ये वाटर रेसिस्टेंट की मतलब वाटर रेसिस्टेंस रहता है, पानी अंदर नहीं जाता इसका ये। और जैसे कंपनी में आती है रबड़ पूरी। हाँ वही कंपनी का ही पार्ट है, जेनुअन पार्ट लगाया हुआ ये। ठीक है अलॉय भी लगाए हुए हैं इसके ऊपर, ये दस जेड एक्स हज़ार आई पाँच प्लस वाले, ZXI प्लस वाले VXI में आते नहीं है ये। हाँ ब्लैक आते हैं ना हाँ VX, ब्लैक वो आते हैं जेड एक्स आई में आते हैं ब्लैक। हाँ ठीक है 10,590 रुपये का एक अलॉय है ये, ठीक है 10,590 में एक अलॉय लग गया, 400 रुपये की एक, 100 रुपये की एक कैप होती है, ठीक है नट जो है वो भी इसके ऊपर चेंज किए हैं, कैप वाले इसके ऊपर नट लगाए हुए हैं। नॉर्मली जो है ओरिजिनल व्हील कवर के ऊपर कटे हुए आते हैं, उसको उतार के ये नए चेंज करे हुए हैं। ठीक है टायर के पीछे फ्लैप लगाया हुआ है, ये मड फ्लैप मड फ्लैप। ठीक है साइड की बिडिंग लगाई है क्रोम और सिल्वर पार्ट के अंदर, ये भी अच्छी लगती है जेनुअन ओरिजिनल पार्ट है। ठीक है साइड स्किड प्लेट लगाई है, जैसे रनिंग बोर्ड आपका सेफ रहता है, अगर कुछ हिट होगा तो इसके ऊपर हिट होगा, आपका गाड़ी का जो ओरिजिनल पार्ट है वो सेफ है। ये ठीक है सिल्वर कलर की गाड़ी थी, सिल्वर कलर का ये साथ में लगा दिया, सिल्वर क्रोम लाइनिंग इसके ऊपर हमने यूज़ की हुई है। ये ओके डोर वाइजर सेम स्टेनलेस स्टील ऊपर आता है, ये देखा ओरिजिनल जाए पार्ट तो आता है, बेसिक ही मॉडिफिकेशन हुई है गाड़ी के बेसिक अंदर मॉडिफिकेशन है सारी इसके अंदर, है ना। हाँ। बैक साइड की अगर मैं बात बोलूँ तो पीछे पीछे पार्सल ट्रे इसमें लगाई है, OEM वाली हाँ सेम ओरिजिनल पार्ट है इसका, 1,575 रुपये की ट्रे रहती है ये। ठीक है OEM आफ्टर मार्केट का एक GFX का मैट डाला है इसका, साढ़े ये तो बाईस सौ अच्छा रुपये है। इसकी कॉस्ट होती है ये। ठीक है इस पार्ट में ये रहता है कि अगर आपने यहाँ पे कुछ सामान रखना है तो ये लेफ्ट राइट वाला पार्ट खाली खाली रहता रहता है। है, ठीक है नॉर्मल जो जेनवन आता है मारुति वाले उसके अंदर ही पूरा कवर्ड हो जाता है, हाँ वो मतलब वो यहाँ पे ढक्कन स्लॉट सा। का यूज़ नहीं कर सकते, सो इसके लिए हमने ये आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट लगाया जिसमें ये वाला स्लॉट आपका यूज़ हो जाता है। ठीक है सेम रियर में स्किड प्लेट इसमें लगाई है ये, ये नंबर देख रहे हो किसका है? DL9C BA 9779 DL9C AGA वहाँ पर, यहाँ पर BA है, बाकी सब कुछ सेम है। दिखाओ मेरे पास वो देखो गाड़ी खड़ी है वाली। हाँ ओए होए ठीक भाई है साहब, कस्टमर तो फिर आपके लिए तो वो है, मतलब क्या बोलूँ लकी है इसको, लकी। लकी हो सकता है आपकी यही वीडियो चल जाए स्टार्ट हो जाए। हाँ हाँ ओए होए कालीबास का ये भी लगा दिया उन्होंने, मेरा बच्चों कहाँ ने गया? स्टिकर मेरा लगा दिया कालीबास का ऊपर का लगाया है, नीचे लगाते हैं ना ब्लैक में यहाँ थोड़ा। पर। ये रात को लिए होता है ना कि लाइट जब जलती है तो ये रिफ्लेक्शन करता है, लाइट ग्लो करती है। ये देख लो सिंपल बिल्कुल, आज गाड़ी हम बिल्कुल सिंपल दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे कोई सा लग्जरी। लग्जरी भी आने वाली है, अभी आ जाएगी एक दो दिन में गाड़ियाँ, तो बहुत अभी पेंडिंग चल रही है, वीडियो आपने बनाई हुई है सारी, वो आपने डालनी हाँ है। हाँ हाँ एक मैं सोच रहा था थोड़ी सी बेसिक दिखाओ पहले, होती कैसी ये गाड़ी होती। हाँ अब ये भी आ गई गाड़ी अपने सो पास। बेसिक के अंदर हमने 70 मैट्स डाले हैं,
70 मैट्स अभी बेसिक है, 3300 रुपये का मैट है सिर्फ ये, ठीक है। स्टेरिंग कवर जो इसमें हमने कस्टमाइज नहीं कर आपकी बारी, हमने लूज कवर ऊपर से चढ़ाया, 690 रुपये इसकी कॉस्ट होती है ये, ठीक है। ऊपर से सिला हुआ है, बट इसकी फिटिंग जो है आप देख सकते हैं ओईएम स्टाइल में करी अंदर से, हाँ। ये पूरा साइड से पूरा अंदर कवर्ड है, ये बाहर का कोई सिस्टम नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। सॉफ्ट फील में रहता है ये। फुट स्टेप इसमें लगाए लाइट वाले, 2990 रुपये इसकी कॉस्ट होती है ये, ठीक है। 2990 रुपये इसकी कॉस्ट के बाद में ये चारों दरवाजों में लगता है, आगे बैजिंग उसकी होती है ओरिजिनल, ठीक है। सो इसके बाद जो हमने इसके ऊपर लगाया सेंटर का आर्मरेस्ट, इसमें लगाया हुआ ये आर्मरेस्ट, हाँ जी। मैं पीछे दिखाता हूँ, वो लगाया पीछे का? नहीं वो नहीं लगाया हुआ। अच्छा वो वैसे छोड़ दिया आज? हाँ आपकी बारी, वो कस्टमर को रिक्वायरमेंट नहीं इनकी, बिल्कुल बेसिक आपको दिखता रहा है, गाड़ी बिल्कुल बेसिक है, इसमें वो चलाते नहीं है, दो ही बंदे चलाने वाले बैठे वाले दो बंदे हैं। अच्छा बेसिक मॉडिफिकेशन बेसिक टाइम के लिए काम खत्म। अच्छा चलो ठीक है, और क्या कर रहा है गाड़ी में? सीट सेंटर आर्मरेस्ट इसमें लगाया हमने ना यहाँ पर ये, हाँ आर्मरेस्ट तो देख लिया मैंने, स्लाइडर आर्मरेस्ट रहता है ये, हाँ। बाकी बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट थी और वही इसे हिसाब से लगा दिया, लगाई आई थी, स्पीकर लगाया थे, हाँ। रिवर्स का कैमरा इसमें लगाया हमने, हाँ एक अपनी तरह ही हो गया फिर। बेसिक जो है 4990 का कैमरा होता है, वो इसमें हमने इंस्टॉल किया है, ठीक है। जैसे गाड़ी को बैक करेंगे बैक का फोटो इसमें आ जाएगा, हाँ। ये बैक किया, बैक की फोटो आ गई, बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया चीज रहती है, जेन्युइन पार्ट रहता है ये। अगर किसी को ये वाला कैमरा लगवाना है वो भी मिल जाएगा अपने पास? ये वाला कैसा? ओईएम कंपनी वाला? हाँ ओईएम तो लगाया हमने, ये हमने लगाया ये। अच्छा आपने लगाया, इसमें नई चीज अभी लेकर आऊंगा, एक चीज आप लेकर आओ आगे, आप मैं इसको आपको दिखाता हूँ अभी, हाँ। ये जो माइक लगा हुआ ऊपर, हाँ। लोगों की कंप्लेंट होती है कि आप राइट साइड में माइक लगाते हैं बाहर वाले, हाँ। हमने भी आज तक बाहर ही लगाया था। नेक्स्ट जितनी भी गाड़ी आएंगी ना हमारी, अब एक स्पेशलिटी हम उसके अंदर करके देंगे, हम आपको ये ओरिजिनल माइक लगा के देंगे सेंटर में। अच्छा बीच में ओईएम वाला? ओईएम वाला माइक लगा के देंगे एलएक्सआई में, ठीक है। और अगर अच्छा, किसी ने स्टीरियो एलएक्सआई में, हाँ बेस मॉडल में तो माइक यहाँ लगता है ना, हाँ हाँ हाँ। वॉइस की दिक्कत होती है साथ, या ऊपर कहीं दाएं बाएं यहाँ लगता है, या कोई स्टीरियो सामने, वो तो बड़ा ऑड लगता है, ऑड लगते हैं ना। तो अब की बार जो नया स्टीरियो आएगा, जो एलएक्सआई में मोटर दो है के और के और दो तीन ब्रांड और हमने लॉन्च किए हैं अभी ऑडी ब्लैक्स के, उसके अंदर हम आपको ये माइक चला के देंगे अब की बारी, ठीक है। जिसकी कॉस्ट रहेगी मेरे हिसाब से 2000 रुपये की, 2200 रुपये की कॉस्ट पड़ेगी इसकी, क्योंकि वायरिंग कनेक्टर भी है, माइक का सॉकेट भी है और ओरिजिनल माइक भी है ये, हाँ। फिर कंपनी वाला काम भी तो हो जाएगा, हाँ सेम कंपनी वाला काम हो जाएगा, और जैसे आपको पता है लग्जरी और अच्छा काम करके देते हैं हम, सो हाँ। वैसे का वैसा हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर आइए बाहर, फिर कस्टमर रिव्यू देंगे। हाँ कस्टमर रिव्यू देंगे, अभी कस्टमर बाहर हैं, अभी आ जाएंगे तो फिर अभी देते हैं रिव्यू। चलो फिर वहीं मिलते हैं सीधा, हाँ। और तो हो गया ना सारा गाड़ी में, और भी एक और चीज़ भी है, जैसे भी इसकी भी मेरे पास एक इंक्वायरी थी, आप इधर से बाहर से देखो एक बारी, बाहर से ये जो ऊपर की ट्रे है, हाँ ये नॉर्मल में ऐसे स्लांट होती है एलएक्सआई में, ठीक है। तो वीएक्सआई में एक कर्व दिया हुआ है जो ऊपर की ट्रे है, यहाँ पर गॉड राइडर रखने के लिए बड़ा अच्छा स्लॉट है। अच्छा तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको ये भी ट्रे अगर आपको चाहिए तो ये भी मैं आपको लेके दे सकता हूँ। अच्छा प्लेन वाली? प्लेन नहीं है, स्लांट नहीं है, ये ट्रे वाली जो ये कट आता है इसमें। अच्छा ओईएम वाला? ओईएम वाला, ठीक। ये वीएक्सआई में आती है, एलएक्सआई में नहीं आती ऐसी, ऊपर से भरा भरा सा आता है, प्लेन आती है, प्लेन बिल्कुल ही, हाँ ऐसी आती है, बट प्लेन होती है, स्लांट होता है उसमें। चलो ठीक है, तो ऐसे कट वाली भी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। जिसके बाद गाड़ी बेस मॉडल आएगी उसको तो पता लग ही गया होगा, हाँ। जिसके बाद बेस मॉडल है तो ये उसको पता है कि भी ऐसा मैं लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ मैं, हाँ। और भी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है उसकी, 150 रुपये सिर्फ कॉस्ट है, 150-165 रुपये की कॉस्ट है, वो तो फ्री है फिर, तो चलो फ्री लगा देंगे, कस्टमर जो सीरियल लगा रहे उसके लिए फ्री, ठीक है ठीक। आगे कस्टमर भी बोरे कोई नहीं लेते हम, ठीक है। हेलो भैया। हाय भैया, आपका नाम? अमित। कहाँ से आए हो? अलीपुर से, दिल्ली। दिल्ली, अच्छा अमित ठीक है। आपको बाइक का एक्सपीरियंस कैसा लगा? सुपर काम है, बढ़िया है, जो बोलने का तरीका है, जो समझाने का तरीका है, एक नंबर। करोल बाग वालों की मार्केट बंद हो जानी है क्या बात है, मतलब सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। कंप्लेंट? इनके काम में और कंप्लेंट मतलब ही नहीं है। कंप्लेंट एक है, हाँ हाँ बताइए बताइए। कंप्लेंट यही है कि वो आदमी पागल है जो यहाँ से छोड़ के करोल बाग जा रहा है क्या हो रहा है ये ब्लेसिंग्स है देख लो मतलब कोई दिक्कत नहीं आपकी तरफ से? नहीं है, सुपर काम है, पक्की बात। आए कैसे ये भी तो बता दो, और नंबर नंबर चलो आपने पूछ लिया, बताओ बताओ नंबर। वीडियो से देखा है हमने वीडियो भाई की। अच्छा। आपके चैनल के भी सब्सक्राइबर हैं, भाई के भी चैनल के सब्सक्राइबर हैं। नंबर बिड लगाई थी, आके पता चला तो आपकी गाड़ी का भी नंबर सेम है, तो बारे न्यारे हो गए हैं। देख लो बारे लकी हो गया फिर, नंबर से लकी हो गया फिर तो, मेरे लिए लकी हो गया। आप उनके लिए लकी, वो इनके लिए लकी, क्या सेम वीडियो बन रही है सेम नंबर की, ठीक है। आपने जो इसके अंदर मनी एक्सपेंड करी है, वर्थ है पूरा? पूरा वर्थ है।
ये तो नहीं पैसे ज्यादा लग गए, काम कम नहीं, कर कोई दिया? ऐसा नहीं है। करोल बाग में गया तो नहीं, मैं तो सीधा यहीं आया हूँ। संडे मेरी गाड़ी आई थी, 2-3 दिन का टाइम, मंडे ऑफ था इनका, तो बीच में मेरे को भी टाइम नहीं लग पाया था ऑफिस के, उससे तो डायरेक्ट आ जाए हैं। तो 11:30 हम आ गए थे, 2-3 घंटे में गाड़ी ओके हो गई है। अब करोल बाग को इतना बदनाम क्यों कर रहे हो? बदनाम है, बदनाम इसलिए है यार, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना कि वीडियो डालना, वीडियो डालना भी है ना एक आजकल पता नहीं एक ट्रेंड हो गया है, लेकिन वीडियो का भी ये होना चाहिए कि भाई आप डाल रहे हो तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी हो, कि भाई आप किसी चीज किसी को बता रहे हो कुछ, हाँ तो कम से कम जायज बता। करोल बाग में मैं खुद बता रहा हूँ कि आपको वीडियो में कुछ और दिखेगा, वहाँ पे आके सारी चीजें बदल जाती हैं। अच्छा, रेट बदल जाता है, आइटम बदल जाता है। अभी ये कह रहे हैं मैं मारुति जेन्युइन पार्ट लगा रहा हूँ, हमने चेक किया, इन्होंने हमको दिखाया अपना, इवन इन्होंने तो अपना क्या नाम है परचेज इनवॉइस दिखा दिया। क्या दिखोगे आप? डिस्काउंट कितना आ रहा था मेरे पास? 10% 12% शेयर से। फिर कितना? 25 तो नहीं आ रहा था? नहीं, वो 25 वो एक ही है, नाम लूंगा नहीं, वो 25 वाला नाम नहीं लेगा। आवाजें लगा लगा के जाता है, डुप्लीकेसी जाता है। और ये आप जैसे यूट्यूबर्स का ही होना चाहिए कि ये डुप्लीकेसी को बंद करने के लिए आप ये भी रिव्यू दो कि वहाँ पे धांधलेबाज होंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, करते हैं फिर समाप्ति करें। हाँ हाँ करो, बिल्कुल करो, आप पे करते हैं। अरे कोई बात नहीं, एक बार अपनी लोकेशन बता दो अगर किसी को प्यारा सा काम कराना तो। मेरी लोकेशन है कार लिबास के नाम से, ये करमपुरा में पड़ता है और कीर्ति नगर मोती नगर मेट्रो मेरे बहुत पास में है, तो इजीएस्ट लोकेशन है। आप कीर्ति नगर या मेट्रो मोती नगर किसी के पास भी आओगे तो मैं असिस्टेंस उसके लिए दे दूंगा प्रॉपर पूरा। ठीक है, अपना एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बता दो। मेरा मोबाइल नंबर है 9811632352, 9999063352। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। ओके, टिल देन बाय, चंगा जी।